हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी क्रिस्टल पहनने का शौक़ रखते हैं, यानी कि क्रिस्टल से बने ब्रेसलेट हो, पेंडेंट हो? कुछ लोग इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, कुछ लोग इन्हें नॉर्मल एक क्रिस्टल या एक फ़ैशन की तरह पहन लेते हैं। पर आपको मालूम है कि जब भी हम ये क्रिस्टल या स्टोन धारण करते हैं तो ये हमेशा हमें एक क्रिस्टल हीलर से पूछ कर ही पहनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम फैशन के उससे तो पहन लेते हैं, बट इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी अगर क्रिस्टल पहनिए तो पहले तो ये जान लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस पर्पज़ के लिए आप पहन रहे हैं, और उस जो भी आप स्टोन धारण करने वाले हैं या क्रिस्टल पहनने वाले हैं, उसको अच्छी तरीके से देख के, जांच परख के, ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल है, टूटा हुआ ना हो, चिटका हुआ ना हो, घिसा हुआ ना हो, इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है कि जो ब्रह्मांड है हमारा, जो यूनिवर्स है, उसकी जो एनर्जी है ना, वो हर किसी चीज़ में है, चाहे वो ज़िंदा इंसान हो, मरा हुआ हो, या कोई पेड़ पौधे या किसी भी चीज़ में, मिट्टी, पत्थर, सोना, मतलब सब में है उसकी एनर्जी। और ये कंटिन्यू इसकी एनर्जी निकलती रहती है। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनमें भी एनर्जी होती है, बट हर तरीके की एनर्जी होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। अब इन एनर्जीज को बैलेंस करने का काम किसका होता है? क्रिस्टल का, स्टोन का, इसका काम होता है। इसलिए जब भी होता है ना, हमारे ऊपर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो कहा जाता है कि नहीं, इनको इस टाइम पे ये पत्थर पहनना चाहिए, इनको ऐसा स्टोन पहनना चाहिए, सिर्फ इसीलिए होता है कि वो उस एनर्जी को बैलेंस कर देता है, और जिस पर्पज़ के लिए हम उसको पहनते हैं, धारण करते हैं, वो चीज़ें तुरंत हो जाती हैं। तो जब भी आप क्रिस्टल पहनिए तो बहुत ही जाँच परख के पहनिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि क्रिस्टल को हमेशा आपको टाइम टू टाइम रिचार्ज करना चाहिए। हर क्रिस्टल को रिचार्ज करने का अलग अलग दिन होता है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जैसे हाथों में हम लोग रत्न पहनते हैं, तो हम लोग उसको घर में ही गंगा जल से रिचार्ज कर लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने पहना हुआ है ना, तो इसे मैं क्या करती हूँ, मैं इसे, इसका जो एक डे होता है, उसी पर्टिकुलर डे पे नहा धो के, इसको गंगा जल से धुल के, फिर धूप दिया दिखा के, तब इसे पहनती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तभी वर्क करता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो इसकी एनर्जी होती है, जो इसका एक वाइब्रेशन होता है ना, हमारी बॉडी से टच रहने का, और वो कंटिन्यूटी जो बना रहता है ना, वो टूट जाता है। तो फिर मामूली सी एक अंगूठी रह जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको पहनना हो तो आप बहुत ही सोच समझ के पहनिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस चीज़ के लिए कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम, क्या आप क्रिस्टल सेल करती हैं, ब्रेसलेट सेल करती हैं स्टोन के, और उसके बारे में भी हमें बताइए। तो मैं सेल तो नहीं करती हूँ, बट अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगी परचेज करके आपको देने की। अदरवाइज़ मैं आपको उसके लिंक बता दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैं अभी आपको जो एक वीडियो क्लिप दिखाऊँगी, उसमें आप खुद देखिए कि कौन कौन से क्रिस्टल किस किस चीज़ के लिए होते हैं। हेल्थ के लिए अलग होते हैं, वेल्थ के लिए अलग होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब है, या बहुत बीमार हैं, या घर में नेगेटिविटी, या हमेशा उदासीपन सा रहता है, तो ये सारी चीज़ें क्रिस्टल से दूर हो जाती हैं, स्टोन से दूर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप मानेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं मानेंगे तो मामूली सा एक पत्थर है। और ऐसे ही भगवान भी हैं, कि भगवान की मूर्ति भी पत्थर से ही बनी है। आप मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो वो पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, इसी तरीके से सबसे ज़्यादा ये वर्क कैसे करता है, बिलीव सिस्टम से। ओके, तो हमेशा बिलीव रखिए। अगर आपको बिलीव है तो ही आप पहनिए, अदरवाइज आप मत पहनिए। तो मैं अभी आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ, आप देखिए और समझिए कि कौन से क्रिस्टल किस चीज़ के लिए होते हैं। अगर आपको मनी चाहिए, करियर में मतलब प्रोग्रेस चाहिए, तो उसके लिए अलग है, उसके हर चीज़ के लिए अलग अलग है। तो आप देख लीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग से चूज़ करिएगा कि आपकी लाइफ के लिए कौन सा क्रिस्टल सूट करता है।